नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। पौराणिक कथाओं का माने और विरासत को अगर पकड़ें और जानें तो मकर संक्रांति क्यों और किस लिए मनाया जाता है, आइए इसी से जुड़ा हुआ तथ्य को जानते हैं। सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण और अपने पुत्र शनि और राशि मकर में प्रवेश करना, गंगा माता का धरती पे आकर के सागर में मिलना और भगवान विष्णु द्वारा असुरों को संपूर्ण संहार करना, इस मकर संक्रांति को इतना महत्वपूर्ण बनाता है कि भीष्म पितामह भी मोक्ष के लिए इसी दिन को चुने। समस्त प्राणी को इसी महान दिन का कोटि कोटि शुभकामनाएं द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया और द ग्लोबली न्यूज के सौजन्य से, मैं पंकज के माध्यम से। आइए इसी से जुड़ा हुआ और भी तथ्य को अच्छी तरह स्पष्ट तरीके से जाने नौ ग्रह मंदिर के पुजारी आचार्य श्री ध्रुव पंडित जी के माध्यम से, उनसे और भी ये चीज़ें स्पष्ट और पारदर्शिता के साथ सामने आ जाएगा कि कब और कैसे मनाना चाहिए। तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है और इसके अलावा भी नवग्रह में जो ये भागवत का कथा आयोजन हो रहा है उसको लेकर क्या क्या प्रोग्राम है, किस तरह से कैसे क्या करना है, उस सारी डिटेल्स बताएं महाराज जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् उपभाग भवेत्। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतोपदस्य पुरुष शुक्र शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। मकर संक्रांति के बारे में सबसे पहले क्या कहा गया है, मकर कुंभ मीन मेघ वृक मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर। मकर राशि जो है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करने से हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का जो अर्थ होता है, भगवान सूर्य आज का दिन से जो है उत्तरायण जाते हैं। दक्षिणायन उत्तरायण दो प्रकार होती है, आज से भगवान सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं। जैसे विष्णु पितामह अपने प्राण त्याग करने के लिए उत्तरायण को उन्होंने रोजा था, तो उत्तरायण ऐसा जो शब्द है उत्तरायण, उत्तरा जो है भगवान का बहुत बड़ा प्रेम इसके अंदर में है। उत्तरायण में बड़े बड़े पूजा पाठ यज्ञ हवन विवाह गृह प्रवेश आदि होते हैं। मकर संक्रांति खास में 14 तारीख को मनाया जाता था, पहले 14 तारीख तो मनाते अभी लोग मना रहे हैं, पर आज रात्रि 2:00 काशी के समय अनुसार 2:23 में ही मकर संक्रांति में सूर्य प्रवेश करेंगे, तभी दान पुण्य और मकर संक्रांति मनाना बहुत उत्तम माना गया है। लोग क्या है ना, 14 तारीख को मना रहे हैं, 14 और 15 दोनों मानते हैं। मकर संक्रांति भगवान विष्णु का अति प्रिय है, इसमें भगवान विष्णु का तिल से पूजन करने से भगवान विष्णु बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। आज तुलसी का जो गाँच होता है, तुलसी का गाँच का सूखा हुआ गाँच का अग्नि जलाकर तिल की हवन करने से भगवान विष्णु बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमारे जितने भी चैनल वाले हैं, चैनल का नाम इम्पैक्ट इंडिया, इम्पैक्ट मीडिया, इन सबको देखने वाले हमारे जितने भी श्रद्धालुगण हैं, सबको मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी को शुभेच्छा शुभकामना। विशेष करके हमारे इस दार्जिलिंग मोड़ स्थित नवग्रह मंदिर में हम 22वां स्थापना दिवस है, इसमें हमने 18 महापुराण परिपूर्ण कर चुका हूँ और आने वाले 26 जनवरी से 1 फरवरी तक श्रीमद् भागवत पुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ करुणा निवारण महायज्ञ विश्व शांति महायज्ञ ये हम लोग हरिद्वार से प्रमोद सुधाकर जी महाराज के मुखारविंद से कथा होगा और सिक्किम से पधारेंगे श्री श्याम पोखरेल जी, उनका मुखारविंद से कथा होगा और बनारस काठमांडू वृंदावन सबसे विद्वान लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, उन सब का प्रवचन रहेगा, यज्ञ होगा, वेद पाठ होगा, पुराण होगा, नवग्रह शांति महायज्ञ होगा। इसमें सभी श्रद्धालुओं को एक तो मेरा तरफ से शुभेच्छा शुभकामना, सभी को भगवान खूब कल्याण करें, कोरोना जैसे महामारी को रोके और सकल परिवार में सुख शांति बनी रहे, भाईचारा एकता बनी रहे, विश्व में शांति रहे,